जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, और आज मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडी लेकर नहीं आया हूँ, ना ही कोई मजाकिया बात है, थोड़ी सी सीरियस बात करते हैं आज। हाँ, तो आज थोड़ी सी ज़रूरी बातें हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे आने वाली पीढ़ी की उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक विदेशी ऐप है जो हमारे देश में आता है और अपनी पहचान बदल कर आता है, फिर कुछ समय में वो धीमे धीमे हमारे युवाओं के अंदर इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी बना लेता है और अपना यहाँ पे कब्जा जमा लेता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वी विल टॉक अबाउट टिकटॉक वंस अगेन। टिकटॉक इज़ अ मोस्ट पॉपुलर ऐप इन आवर इंडिया, एंड वाई इज दिस सो पॉपुलर, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, लेट्स स्टार्ट। तो टिकटॉक हमारे देश में इतना पॉपुलर क्यों है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हूँ, जी हाँ, मैं इस ऐप से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हूँ। कुछ लोग इस पर बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ सभी इस पर गान बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों ने इसका भरपूर प्रयोग किया, अच्छा प्रयोग किया, और इसका फल उन्हें मिला, पर कुछ मादर चौदों ने इसकी ऐसी गांड मारी है कि आपका देख के करेजा जल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको नमूना दिखा देता हूँ उसी चीज़ का। जी हाँ, देखिए, तो आपने इनकी फैशन तो देख ही ली होगी, मतलब पहले पजम्मा, उसके ऊपर फिर नेकर, उसके ऊपर फिर अलग अलग डिज़ाइन की वेशभूषा पहनी हुई है इन्होंने। ये देश के युवा हैं जो अपने माँ बाप के पीठ पीछे ये कर रहे हैं। माँ बैठ के रोटी बना रही है और उनकी पीठ के पीछे बैठ कर या खड़े होकर ये इस तरीके के कारनामे कर रहे हैं। इन्हें इस चीज़ की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही कि अगर माँ पीछे पलट गई तो चूल्हे में जलती हुई लकड़ी इनके मुंह पे दे मारेगी। जी हाँ दोस्तों, चूल्हे पे जलती हुई लकड़ी इनकी माँ इनके मुंह पर दे मारेगी। इन्हें इस चीज़ का कतई भी डर नहीं है, ये नेकर पहन के जेब से फूल निकाल रहे हैं। आइए इनके हम थोड़े से और नमूने देखते हैं। ये बहुत महान व्यक्ति हैं, इनके टिकटॉक पर 2 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं, आप लोग इन्हें शायद पसंद भी करते हैं। आप लोग में से कुछ चूतियाँ हैं जो इन्हें पसंद करते हैं, तो इनकी कलाकारी के थोड़े से नमूने मैं आपको और पेश कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आपने वीडियो में देख लिया होगा कि ये वीडियो में ऋतिक रोशन की नकल कर रहे हैं। इस वीडियो को अगर ऋतिक रोशन ने देख लिया तो ऋतिक रोशन जी भी अब सदमे में जा सकते हैं कि इतनी ख़राब नकल कोई किसी की कैसे कर सकता है। ऋतिक रोशन जी दुनिया के सबसे हैंडसम मनुष्य माने जाते हैं, सबसे हैंडसम व्यक्ति माने जाते हैं। उनकी इस तरीके से नकल करना कतई भी माफ़ नहीं किया जाएगा, आपको इस मादकचुदाई के लिए सजा भी दी जा सकती है। तो ये इकलौते ऐसे मनुष्य नहीं हैं, इनके तरीके के कई हैं। आइए हम थोड़ा सा और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फ्रूटी सुक्क भाकर चिकन लेग पीस कांदा। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा होगा इस मोटे लड़के ने पहले एक गिलास फ्रूटी पी, उसके बाद फिर इसने सुक्का भागकर खाया, उसके बाद फिर इसने चिकन लेग पीस खाया, उसके बाद फिर इसने कांदा खाया। तो आपको क्या लगता है इस बंदे के अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट था जो आप लोगों में नहीं है, जो आप लोग नहीं कर सकते, और इतने लाइक्स और इतने फॉलोअर्स इसको क्यों मिले? आप लोग नहीं कर सकते, आप एक बार में एक गिलास फ्रूटी नहीं पी सकते, चिकन लेग पीस नहीं खा सकते,
कांदा। तो ऐसी चूतियों से पीछा छुड़ाने के लिए कृपया टिकटॉक मेरी बातों को ध्यान दें और टिकटॉक ऐप से दूरी बनाएं। चलिए इनके और नमूने हम देख लेते हैं। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, इतना ही कर दो करम। जी हाँ, ये थे जादू द्वारा स्पेशल पावर दिए गए इंसान। जादू जो था ना, जादू धूप, वो वाले जादू ने इन्हें स्पेशल पावर दी थी और उस पावर के चलते ये इस तरीके से लटक सकते हैं। इतनी पावर उसने रोहित को भी नहीं दी थी जितनी पावर उसने इन्हें दे दी। तो आगे बढ़ते हैं, इसी सिलसिले को हम जारी रखते हैं और आगे भी और नमूने आपको मैं दिखाता हूँ। जी आइए देखिए। अभी आपने दिल्ली मेट्रो के अंदर एक लड़के को डांस करते हुए देखा और उसने नीचे क्रिप्सक्रिप्सन में लिखा हुआ है, नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि पीछे वाले लोग देख रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप दिल्ली मेट्रो में डांस कर रहे हैं, एक बार आइए आप यूपी में डांस करके देखिए, आपकी कान फाड़ दी जाएगी, आपको कुल फ़र्क पड़ने लगेगा। जी तो आगे हम और देखते हैं इस तरीके के नमूनों को। क्या बोला? फिर कहूँ, बाहर के लोगों से अगर दुश्मनी लोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर अपनों से दुश्मनी लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। जाओ जाओ, उखाड़ना है उखाड़ लो जाओ। तो जी अभी आपने देखा एक ऐसा बंदा जो अपनी चाल कभी सीधी नहीं रख सकता, ये अलग अलग डिज़ाइन से चलता है, ये टकल चोर लड़का हमेशा ऐसे ये हाथों से गोलियां मारता है। तो इस तरीके की प्रजाति से दूर रहें, कृपया इन्हें लाइक सब्सक्राइब फॉलो वगैरह ना करें तो आपकी और आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। जी तो इसी तरीके से और भी मैं आपके सामने वीडियो लेके आता रहूँगा और मोदी जी और सरकार से और आप सभी से मेरी ये दरख्वास्त है कि कृपया करके इन प्राणियों को बढ़ावा ना दें और इनकी इन हरकतों को आप लोग थोड़ा सा नज़रअंदाज करें। ज़्यादा लाइक वगैरह, मतलब 2-2 लाख लाइक आप लोग दे दे रहे हैं इस तरीके से, तो इनका मनोबल बढ़ जा रहा है और ये गंडुआई अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें और मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इस तरीके की प्रजाति को थोड़ा सा हम मनुष्य से दूर रखा जाए और ये इनका हमारे साथ रहना हमारे लिए और इनके दोनों के लिए हानिकारक है। तो आप इन्हें किसी कैंप वगैरह में रखें, इनका इलाज करवाएं, अगर ना हो सके तो, मतलब क्या ये इस तरीके के प्राणी हैं कि इन्हें देश की चोट से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देश में NRC लाइए, CAA लाइए, लांच चाटिए, कुछ भी करिए, इन्हें चीज़ से कोई मतलब नहीं पड़ता। ये थोड़ा गांडू तरीके के लोग होते हैं, तो कृपया आप इन लोगों से दूर रहें और इन लोगों की थोड़ा सा आप लोग समझा रहे हैं, आप लोग समझदार हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।